आप इधर इधर ये आज मेरा economics का paper है और आज मुझे इसके हिजाब की वजह से अंदर नहीं दिया जा रहा है और आज मेरा छूट गया ना तो ये सब चीज के जिम्मेदार ना ये जो खड़े हैं सर इन्हें दिखाइए सर ये जाने नहीं दे रहे हैं मुझे कोई भी अंदर और वो मैम आ रही है उन्होंने भी यही कहा कि आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं जब मतलब मेरे पेपर की बात है

मुसलमानों को के लीडर बनते हैं और उन लोगों को डूब मरना चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने दौलत के अंबार दिए हैं दिए हैं जिसको उन्होंने अपने बैंकों का बैलेंस बना रखा है और जिस पर वो अपना जती कब्जा और नाग की तरह फन फैलाए हुए बैठे हैं क्या उनको कौम की ये बच्चियां नहीं दिखती क्या कायदीन को कौम के ये कौम की बच्चियों के और कौम के बच्चों के इस तरीके के हालात उनकी नजर में नहीं आते वो अपने एक प्रोग्राम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे हालांकि उन प्रोग्रामों में से उन प्रोग्रामों में से अक्सर प्रोग्राम बेनतीजा, बेहसियत और बे रिजल्ट रहते हैं उनका कोई खास तरखा फायदा नहीं होता लेकिन करोड़ों रुपये यहां इस ग्राउंड में उस स्टेडियम में और यहाँ और वहां वो पैसा लगा करके कौम की रकम को भीख मांग कर चंदा कर करके उस रकम को जाया कर देंगे लेकिन कभी इन जैसी कौम की गयूर बच्चियों के लिए खातिर खा उनसे कोई कोशिश नहीं हो पा रही है क्या अल्लाह के यहाँ इन कायदीन को अल्लाह के यहाँ इन लीडरों को अल्लाह के यहाँ इन रहबरों को जवाब नहीं देना होगा कि तुम अज खुद लीडर कईद बना करते फिरते थे कौम तुम्हारे फेस पर एतम करती थी तुम्हें अपना बड़ा तस्वुर करती थी और तुम्हें बेटियों की इज्जत नहीं गवारा थी बेटियों के नामोस और उनकी हिफाजत के लिए तुम एक कॉलेज एक स्कूल एक यूनिवर्सिटी तक की यूनिवर्सिटी कायम करने की पोजिशन में भी नहीं आ सके और सारी दौलत प्रोग्रामों में लगा दी सारी दौलत स्टेजों पर लगा दी और इजमाही तौर पर मिलत के लिए ये बेसिक काम भी तुमसे ना हो सके बाज नहीं आ सकेंगे वो भी बच वो भी नहीं सकेंगे जिनको अल्लाह ने दौलत दी है और जिनके बैलेंस भरे पड़े हैं और जिन पर वो फना फैलाए बैठे हैं वो भी नहीं बचेंगे अल्लाह जो दौलत देता है वह सिर्फ अपनी जो नहीं देता अल्लाह जो माल देता है खजाइन देता है वो सिर्फ अपनी जी देता अल्लाह अल्ला तजाइन और दौलत वो अपने बंदों तक पहुंचाता है किसी एक बंदे के जरिए जरिया बनता है कोई एक जरिया बन जाते हैं दस अफरा दस हजार तक पहुंचने का एक लाख पचास लाख तक पहुंचने का इसलिए अमीर और मालदार कौम के सरदार और लीडर अपनी जवाबदेही तय करें और अल्लाह के यहाँ जरूर इनसे बास पुरुष होगा क्या ये हमारी बेटी नहीं है कि एक नकब की वजह से इसको इम्तिहान से एग्जाम हाल से निकाल दिया जाए और आप खामोशी के साथ कोई तवज्जो ही ना दें और चीज़ों को इग्नोर करते चले जाएं कब तक निगाहें बंद करेंगे कब तक निगाहें चुराएंगे कब तक अपनी होशियारी से हम काम लेंगे दुनिया में हमारी होशियारी चल जाएगी लेकिन कौम की गंदी और अंधी और तकलीद की बुनियाद पर जो कौम का इस्तेसाल किया जा रहा है अगर दुनिया में उसका हिसाब चुकता नहीं होगा तो अल्लाह ताला आखिरत में बख्शेगा नहीं इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कौम के आ, कौम के और लीडर बनने वालों का इस जानी दें इन्हीं वजूहत की बुनियाद पर हमारी बच्चियां ईमान से समझौता कर रही हैं गैरों के साथ भाग रही हैं क्या वाकयात हमारे सामने नहीं आ रहे गैरों के स्कूल में पढ़ने के बाद वो बेहया बन जाती हैं बेपर्दा रहने लगती हैं उनकी गैरत मर जाती है ईमान कमजोर पड़ जाता है और फिर उसके नतीजे में क्या अभी यूपी के मुजफ्फरनगर का केस हमारे सामने नहीं है अगर इन जैसी गयूर बच्चियों के लिए जो वीडियो आपने भी देखी है इनके लिए कोई सही इकदाम हर इलाके में बापरदा तालीम का नहीं किया गया तो याद रखें आहिस्ता आहिस्ता ईमान का चराग गुल होता चला जाता है गैरत मरती चली जाती है और फिर ये भी अपने ईमान के समझौता ईमान से समझौता और कॉम्प्राइज कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाती इसलिए जागे और जो करने के काम है जुलूस और जल से ये गराउंड, वो गराउंड भरने बिरयानी की दे उड़ाने और मोटे मोटे लिफाफे लेने और देने से कौम के मसाइल हल नहीं होंगे मुझे हैरत होती है इस जमाने में भी इतना शूर मुस्लिम कौम के अंदर आने के लिए तैयार नहीं कि बेसूद बेमकसद लाखों करोड़ों रुपए के मुशायरे जिसमें खुद बेही की जानब दावत दी जाती है वो मुनद किए जा रहे हैं और एक एक शायर को एक एक रात में दो दो पाँच पाँच और एक एक लाख रुपए इनाम और लिफाफे में दिए जा रहे हैं और यहाँ कौम की बच्चियों का ये हाल है खुदा के लिए थोड़ी सी समझदारी और होश के नाखून हमें कौम कौमत के लिए बेदारी के साथ लेने चाहिए अल्लाह मुझे भी अपने हिस्से का काम करने की और तोफीक नसीब फरमाए और आपको भी और इन जैसी गैरतमंद बच्चियों के लिए अल्लाह ताला आसानी के साथ बेहतरीन रास्ते मुहैया फरमाएँ ताकि ये अपनी तालीम एजुकेशन को बेहतरीन और आला पैमाने पर ले जा के कौम और मिल्लत के लिए बेहतरीन बीवियाँ और बेहतरीन माएँ और बेहतरीन बेटियाँ बन सकें और दीन की खिदमत का ज़रिया बन सकें असलिकम व वर्क